नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार SSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके ऊपर, और इस वीडियो में जो है ज़्यादातर सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। उसके पहले कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ये कि ये वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट 8 साल के बाद आया है, और पिछला जो 2014 का वैकेंसी था वो आपको ग्रेजुएट लेवल 2018 में क्लियर हुआ, और इसी के साथ यानी कि 2014 में ही एक और वैकेंसी आया था इंटर लेवल, जो अभी तक लटका पड़ा है, वो कोर्ट केस चल रहा है। तो आप लोग इसका तैयारी कीजिए, लेकिन जो लोग मतलब जो एक्चुअल में जो अभी लगे होंगे रेलवे में या और दूसरे सेक्टर में जो लगे हुए हैं, उसको उसी को लेकर के चलना है। ये जो है इसको समझिए कि एक तरह से ये वैकेंसी आया, भर दिए और तैयारी दूसरे चीज़ का कर रहे हैं। उसको जैसे मान लेते हैं कि रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं या और दूसरे चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस मोटा मोटी हूबहू वही सब चीज़ है। थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ पढ़ना पड़ता है, जो हम आपको अभी बताएंगे क्या क्या अलग पढ़ना है। तो इसमें इसको जो है मेन जो सोचिएगा कि एक जो तैयारी इसके लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं अलग से और इसी को जो है निकालने के लिए, तो ये सोच करके तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट होता है, टाइम भी इन्वेस्ट होता है और बाद में रिजल्ट में जो है बहुत सारा चीज़ का जो है इशू हो जाता है, कोर्ट कचहरी ये सब जो है अमूमन है इस सब वैकेंसी में, कोर्ट में भी जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पिछला जो 2010 में जो वैकेंसी आया था वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका मामला, और जो 2014 में वैकेंसी आया था वो आज भी उसका भी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो ये सब वैकेंसी ठीक है, आया हुआ है, भरिए इसको। ये सब वैकेंसी में ज़्यादातर लोग जो है वे लोग भरते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वे जॉब कर रहे हैं, तो वे लोग भी तैयारी करते हैं। निकालने वाले वैसे जो नए लड़के होते हैं वे लोग भी निकालते हैं, पुराने होते हैं वे लोग भी निकालते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वे सब लोग निकालते हैं। लेकिन वही है कि इस वैकेंसी में टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये तैयारी करना है। चलिए अब आगे आते हैं कि टोटली जो वैकेंसी टोटल है आपको 2187 वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई जो होगा 14 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक ये जो फॉर्म है वो अप्लाई होने वाला है। तो आपको 1 महीना 3 दिन का इसमें टाइम दिया गया है, तो टाइम बहुत है। हाँ, एक चीज़ और है, नोटिस बहुत पहले ही अभी एक नोटिस दे दिया गया है बिहार SSC के साइट से। नोटिस ये दिया गया है कि आप लोग जो भी लोग जो फॉर्म भरने वाले हैं, जो फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले वे क्या करें कि आप लोग अगर किसी रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कैटेगरी है उसका लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, मतलब महिला हो या पुरुष हो, कोई भी लोग जो भी स्टूडेंट जो लाभ उठाना चाहते हैं, तो जो उनका इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो अभी जो है आप तैयार कर लें। जैसे मान लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, SC ST ये सब के लिए जाति प्रमाण पत्र का ज़रूरत है। OBC में जैसे दो प्रकार के होता है रिजर्वेशन, एक होता है EBC यानी BC1 और एक होता है BC2। तो BC1 और BC2 वाले भी जो है अपना डॉक्यूमेंट यानी कि नॉन क्रिमिलियर NCL बनवा करके रख ले। उसके बाद EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोग जो भी लोग EWS से है वे लोग भी ये सर्टिफिकेट बनवा के रख ले, क्योंकि इसी जो है सर्टिफिकेट के कारण ही बिहार SSC इंटर लेवल में अभी जो है केस जो है चल रहा है, केवल डेट का इशू के कारण, डेट जो है के इशू के कारण एग्ज़ाम निकालने के बावजूद भी जो है प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो भी डेट, जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जिस रिजर्वेशन क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं उसको जो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर बनवा लें। आपको चाहे वो विकलांग के लिए हो यानी दिव्यांगों के लिए हो या कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग ज़रूर बना लें। तो सबसे पहला चीज़ इसमें यह है कि आपको जो टोटल वैकेंसी है वो तो समझ लिए कि कितना है। इसमें जो आपको शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन, एक आध पोस्ट इसमें जो है अलग से, इसमें आपको PGDCA का जो है PGDCA का आपको अलग से जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए,
मात्र एक जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, बाकी सब में जो ग्रेजुएट हैं वो सब भर सकते हैं। केवल एक दो पोस्ट जो ऑडिटर का होता है उसमें मैथ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ से या स्टैटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, ये सब चीज़ से। बाकी जो है नॉर्मल जो है आपको 37-40 को इसमें जो है एज चाहिए, 37 साल के अंदर वाले जो भी है जनरल से वो भर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रिजर्वेशन में है, जैसे मान लेते हैं कि जो OBC से है उसको 3 साल रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि BC1 हो या BC2 हो उसको 3 साल का रिजर्वेशन। जो SC या ST है उसको आपको 5 साल का रिजर्वेशन है। महिला जो है, महिला को भी जो है अलग से इसमें 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप लोग जो है इन सभी चीज़ को जो है देख करके फॉर्म भरने के पहले ही डॉक्यूमेंट जो है ज़रूर तैयार कर ले, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो तैयार कर ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट इशू के कारण ही अभी तक जो है ये केस मामला लटका पड़ा है, केस अभी चल रहा है। तो इसलिए और फॉर्म जो भी भर रहे हैं उसका हो सक उसमें जो है डॉक्यूमेंट का मार्क्स नंबर देना पड़े, डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है वो सर्टिफिकेट नंबर वो देना पड़े, या उसको मतलब जो, तो इसलिए जो है डॉक्यूमेंट आप लोग फुलफिल कर ले। देखिए आगे अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो आप लोग समझ लिए ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। अब इसका देखिए सबसे परीक्षा शुल्क जो है वो आपको जनरल के लिए OBC के लिए 540 रुपये लगेगा, जनरल OBC के लिए जो है और OBC के लिए यानी कि 540 रुपया है। जनरल OBC का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए आपको जो है 135 रुपया लग रहा है, बाकी सबके लिए जो है 135 रुपया है। उसके बाद जो है बिहार राज्य के बाहर है उसको 540 रुपया लगेगा। तो खैर अब आगे आइए, बिहार राज्य के जो बाहर हैं वह सब जनरल में काउंट होते हैं। आगे हैं, अब इसमें हम मेनली जो है फोकस करेंगे एग्ज़ाम का जो जो प्रकृति होता है, नेचर ऑफ एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम जो होता है वो आपको एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव नहीं होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव में देखिए इसमें आपको एग्ज़ाम जो होता है दो फेज में होता है, एग्ज़ाम जो है आपको दो फेज में होता है। पहला फेज में जो है PT होगा, दूसरा फेज में जो है आपको मेंस होगा, ठीक है। पहला फेज में आपको PT होगा, दूसरा फेज में आपको मेंस होगा। एक एक के ऊपर डिटेल्स में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे पीटी में है आपको एक पेपर होगा, मेंस में आपको दो पेपर होगा। तो पीटी में एक पेपर, मेंस में दो पेपर। देखिए इसमें एक जो है हिंदी पेपर बढ़ जाता है, हिंदी 100 नंबर का जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो आपको एकदम इसको पास करना ज़रूरी है। अगर ये पास नहीं कीजिएगा तो ये सब का ये दूसरा इसका पेपर का कोई मतलब नहीं बन जाता है, सेकंड पेपर यानी कि GS पेपर का इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। अब देखिए इसमें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर फॉलो करते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका PT का एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा टोटल 150 क्वेश्चन होगा। और 150 क्वेश्चन में से आपको तीन चीज़ से ये तीन सेक्शन में ये पूछा जाता है आपसे, तीन सेक्शन में, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस करेंट, उसके बाद में बिहार स्पेशल, उसके बाद में जो पंचायती राज से होता है एक आध दो दो तीन क्वेश्चन वो भी रहेगा, पंचायती राज से रहेगा, पंचायती राज से भी रहेगा। जैसे मुखिया हो गया कि जब बैठक होता है मुखिया का ग्राम सभा में तो उसके कोरम को पूरा करने के लिए कितना सदस्यों की आवश्यकता होती है, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। जो देखिए जो भी हम बोल रहे हैं वो
सीजीएल सेकेंड के आधार पे बोल रहे हैं। उस समय हम एग्ज़ाम दिए थे, क्वालिफाई किए थे, मेंस भी दिए थे, तो उन सभी चीज़ के आधार पे ही हम बोल रहे हैं। और दूसरा चीज़ की जो सिलेबस है उसके आधार पे बोल रहे हैं। दूसरा है तो ये 50 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट बिहार स्पेशल ये सब हो गया। आपका 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपको रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। तो जो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको टोटली ओवरऑल जो मतलब एसएससी का जो सिलेबस में आपको रीजनिंग पढ़ना है वो सभी जो है रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा। रीजनिंग आपको नॉर्मल ही रहता है, रीजनिंग जो है ज़्यादा कुछ खास इसमें रीजनिंग में नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से मिलेगा। अगला जो 50 क्वेश्चन है आपको ये मिलेगा मैथ प्लस साइंस, पचास क्वेश्चन मैथ प्लस साइंस। अब इसमें पूछिएगा कि मैथ कितना साइंस कितना, तो देखिए हर बार जो भी बार एग्जाम हुआ है तो इसका दोनों का रेशियो जो है अलग अलग रहा है। हम आपको बताते हैं, जैसे पहला एग्जाम जो 2010 वाला था सीजीएल वन में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो उसमें आपको 13 से 14 क्वेश्चन मैथ से पूछा था, उसमें उसके बाद जो है 35 से 36 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा था। ये दोनों मिला के है 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस। इसमें ये डिवाइड नहीं किया गया है कि 25 मैथ से रहेगा और 25 साइंस से रहेगा। इसमें जो है आपको कम बेसी दोनों में हो सकता है, 25 मैथ रीजनिंग में जो है इतना हो सकता, लेकिन ये सीजीएल वन का बताएं। देखिए सीजीएल टू में क्या हुआ था, सीजीएल टू जो पीटी हुआ था उसमें जो है देखिए 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा था और 25 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा था, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा था, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा था। कौन कब? सीजीएल सेकंड में, सीजीएल सेकंड में। तो आप ये मान करके चलिए कि 25 मैथ 25 साइंस रहेगा, लेकिन इसका रेशियो घट बढ़ भी सकता है। इसमें जो है साइंस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो है 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन 100, मतलब इसमें मोटा मोटी जो है, और इसमें एक चीज़ और मान के चलिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन आपका गलत रहेगा। जो भी आंसर देगा वो गलत आंसर देगा, बिहार एसएससी वो अपने हिसाब से आंसर देता है। मतलब सब मिला के बोल रहे हैं कि 7 से 8 आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत देगा। तो ये मान के चलिए कि जितना भी नंबर लाते हैं उसमें 8 जो है उसको माइनस करके चलिएगा 7 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि वो गलत होने वाला है। अभी से उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जितना नंबर लाते होंगे उसे 7 से 8 नंबर आपका एग्ज़ाम में कम आता है, क्योंकि वहाँ जो है, क्योंकि बिहार एसएससी का जो एक्सपर्ट होता है वो थोड़ा सा मतलब वो अपने तरह से एनालिसिस करता है क्वेश्चन आंसर का, तो इसलिए जो है 7 से 8 नंबर हमेशा कम मान के चलिएगा, हमेशा गलती करता है। तो अब आइए देखिए इसमें आगे, देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो जीके जीएस में पूछता है, जीके जीएस में जो आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो तो सब हम करवाएंगे ही अगले वीडियो में, लेकिन अभी जो है देख लीजिए जीके जीएस में करेंट जो होता है, करेंट आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर करेंट से पूछता है, 7 से 8 हो सकता है कि 10 भी हो जाए, लेकिन अभी तक का जो पेपर हुआ है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको इससे पूछता है, करेंट से पूछता है। देखिए बिहार स्पेशल से जो है क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन यहाँ पे 7 से 8 जरूर रहता है। बिहार स्पेशल में इसी में आ जाएगा आपको पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग से 3-4 क्वेश्चन मस्ट रहता है, तो इसको एक बार जो है देख लीजिएगा। अभी जो है अभी तो सिलेबस अभी तो फॉर्म आया है वैसे, लेकिन आपको हम डिटेल्स में जो है बता रहे हैं कि आगे आपको परेशानी और जो है ना हो इसके वजह से, ये आपको बिहार स्पेशल। उसके बाद में जो है करेंट हो गया, जीके जीएस, तो ये दोनों मिला करके आपको 15 से 17 क्वेश्चन जरूर जो है रहेगा, 15 से 17 क्वेश्चन जो है। कौन देखिए एग्जैक्ट ये नहीं बताया जा सकता है कितना क्वेश्चन इससे आएगा कितना क्वेश्चन इससे आएगा, घट बढ़ एक दो घट बढ़ सकता है, लेकिन जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उस आधार पे बोल रहे हैं
कि इतना क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। अब आगे आइए, अब आगे जो इसमें है, इसमें आपको मोटा मोटी मान के चलिए कि 32 से जो 35 क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको जीके जीएस से, जीके जीएस से रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सिविक्स हो गया, सॉरी सिविक्स पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, एक पर्यावरण साइंस, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये मोटा मोटी ये सभी चीज़ों से जो है आपको जीके जीएस से आपको इसमें सब मिला करके 32 से 35 क्वेश्चन आना है। इसमें आप सोच लीजिए कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, 5 हिस्से रहेगा, पॉलिटी इकोनॉमिक से रहेगा, पॉलिटी से हो सकता है कि 2-4, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी से जो है ज्योग्राफी से तीनों से बढ़ा करके देता है, 2-4-5 क्वेश्चन खेल से देता है। उसके बाद में ये सभी चीज़ मिला करके जो है विविध से होता है। तो इन सभी चीज़ से मिला करके, और मेनली इसके लिए पढ़ने के लिए ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो है लुसेंट को आप बढ़िया से फॉलो कीजिए, लुसेंट को खूब अच्छे से फॉलो कीजिएगा, इससे इसमें जो है ये जो पोर्शन है आपका एकदम जो है टनाटन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये साइंस वाला जो है पोर्शन, इसके लिए भी जो साइंस स्पेशल जो आता है लुसेंट का, ये अभी से जो है तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए साइंस स्पेशल, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे पीटी में भी, और यही पेपर आपको आएगा मेंस में भी, जो है इसी तरह से पेपर आता है। तो इसलिए जो है अभी से ही आपको ये मैथ्स जो है, मैथ्स इसका जो है कोई खास हार्ड नहीं आता है। अगर आप रेलवे का भी मैथ बना रहे हैं नॉर्मल, तो उससे भी आपका मैथ जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। मैथ में जो ज़्यादा जो है उसमें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो। अब बात आता है आगे, रीजनिंग, रीजनिंग मोटा मोटी जो है सब लोग, आप लोग बनाते होंगे जैसे रेलवे में बना रहे हैं, तो उतना ही रीजनिंग का भी कोई खास, कोई ज़्यादा लेवल नहीं। इसमें एक ही चीज़ का दिक्कत ये डर रहता है कि क्वेश्चन जो है आपको 150 रहता है, तो उसमें क्या है ना कि मतलब जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है थोड़ा सा घटा हुआ रहता है, लेकिन कट ऑफ जो है बहुत ऊपर जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है कट ऑफ जो है इसका बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए सब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कहीं ग्रुप डी में हैं या रेलवे के जॉब में हैं या कहीं और दूसरे जॉब में हैं, वो इसको जो है ज़्यादा फॉर्म को जो है मेहनत करता है, भरता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, उसको ज़्यादा इस पर जो है चिंता रहता है इस फॉर्म के लिए। तो और है भी बहुत बड़ा पोस्ट है इसमें, देखिए कि 4600 पे ग्रेड का आपका सचिवालय का ही सिर्फ 4600 पे ग्रेड का ये पोस्ट होता है। तो आप बीपीएससी से भी भरिएगा तो इतना हो सकता है कि उसमें इससे बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तब आपको 4600 पे ग्रेड का जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उससे कम मेहनत में जो है कहिए कि 4600 पे ग्रेड का जॉब आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए अगला इसका मेंस का जो पेपर होगा उसमें, मेंस का जो पेपर होगा, मेंस में दो पेपर होता है, एक होता है हिंदी जो क्वालिफाई होता है, हिंदी होता है जो क्वालिफाई होता है, एक जीके जी, एक जीएस का पेपर है, जीके जीके जीएस इसको बोलते हैं, जो 150 नंबर का अभी जो बताए हैं उसी तरह से ये पेपर होगा। हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, ये 150 क्वेश्चन होता है ये। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वैसे जो है क्वेश्चन 150 होता है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 4 नंबर मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन यानी कि 600 मार्क्स का हो जाता है, 600 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन ये आपको मान के चलिए कि इसमें जो पिछला बार जो कट ऑफ गया था
सीजीएल वन में, सीजीएल देखिए सीजीएल वन में 2010 में हुआ था, तो उस समय का कंपटीशन बहुत कम था, उस समय कोई इतना ज़्यादा माध्यम नहीं था लोगों को पढ़ने का, लेकिन अभी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जो सीजीएल टू में कंपटीशन हुआ था बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, 2015 में हुआ था सीजीएल टू, अब ये सीजीएल थ्री है 2022 है, यानी कि ये दुनिया जो है अभी का जो दुनिया है या अभी का जो दिन है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इसलिए जो है उस कट ऑफ पे आप लोग मान जाइए कि पिछला बार कितना गया था कितना नहीं गया था, क्योंकि उससे इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा जो है कट ऑफ ऊपर बढ़ते रहता है। वैसे बता देते हैं कि सीजीएल टू में जो है जनरल का जो पीटी में कट ऑफ गया था वो 112 गया था, 112 ठीक है, और पीटी की बात कर रहे हैं, और जो 112 नंबर कट ऑफ गया था इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 448 नंबर कट ऑफ गया था। वही इसका जो मेंस हुआ था पीटी में, इसका जो मेंस हुआ था मेंस में आपको जो है कट ऑफ ज़्यादा हाई चला गया था, 124 के अप्रोक्स चला गया था, सॉरी 124 तो हम ओबीसी के बता रहे हैं, 125 नंबर गया था आपको जनरल का जो है 125 नंबर गया था। 125 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 400 500, यानी कि 500 कट ऑफ मार्क्स जो है कट ऑफ गया था। तो आप सोच लीजिए कि 150 में 150 क्वेश्चन में जहां पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, यानी कि 143 क्वेश्चन में जो है आप 125 नंबर, उस समय का बात कर रहे हैं, ये 2016 में एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उस समय का बात कर रहे हैं। अब 16 से जो है जोड़ लीजिए 6 साल आप आगे हैं, अभी यहाँ से हो सकता है कि 1.5 साल आगे एग्ज़ाम लेना होगा, तो अभी से एग्ज़ाम होगा तो यानी कि कट ऑफ कितना और ऊपर जाएगा। इसलिए जो है इस पे जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी सिर्फ पढ़ने का काम करना है। अब आगे आइए, ये जो हिंदी का पेपर है, हिंदी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हिंदी एकदम सिंपल पूछता है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि आप पचवा छठा क्लास में अगर हिंदी अगर थोड़ा सा भी ठीक ढंग से पढ़े होंगे तो सब। आज तक हम बिहार एसएससी का 2 एग्ज़ाम दिए, दोनों हिंदी क्वालिफाई किए हैं बिना हिंदी पढ़े हुए, मतलब हिंदी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक लाइन भी आप नहीं पढ़ के जाइएगा फिर भी जो है 50 से 60 नंबर ज़रूर ला दीजिएगा, सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा जो ये है इसमें भी वही चीज़ है, आपको 50 क्वेश्चन मैथ प्लस साइंस रहेगा, ठीक है। अगला जो 50 क्वेश्चन है जीके जीएस रहेगा, इसी में करंट बिहार सब आ जाएगा। अगला जो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, तो इसका वही पैटर्न है। अब अगला बार जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें उन सारे उसमें क्वेश्चन का भी जिक्र करेंगे सब कैसे कैसे, और जो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा क्या क्या आपको ज़रूरत है। दूसरा चीज़ है क्या क्या आपको पूछना है, दूसरा चीज़ है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट ज़रूर जो है सही से बनवा लीजिएगा, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट के कारण अभी भी जो है केस लटका पड़ा हुआ है, और यही चलिए ठीक है दोस्तों।